और राइट सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकाल लो, एंड ऑब्वियसली एक अल्फा की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। अपने आप कंप्लीट कर लोगे? और तुम बोलोगे मैम अल्फा की वैल्यू कैसे रिजेक्ट करेंगे, 3 अल्फा रूट होना चाहिए राइट, सो दैट मीन्स 3 अल्फा जो तुम निकालोगे वो उससे सेटिस्फाई करना चाहिए। अब फॉर वन ऑफ द वैल्यूज इट वोंट बी सेटिस्फाइड, सो दैट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी रिजेक्टेड। ऑलराइट, सो दिस इज द आंसर, -3/2 -2/4। अब कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, मैम इसमें से 3:4 वाले रूट कौन से हैं, दिखता है ना, दिस इज नथिंग बट -4/2, सो दीज आर द टू रूट दैट आर इन द रेशियो 3:4। ऑलराइट, सो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट इज एन इंटरेस्टिंग वन, सॉल्व एक्स रेज पावर 4 -10x² + 9x - 2 = 0, given that the product of its two roots, given that the product of its two roots is unity. जो ब्लाइंडली कर रहे हैं वो सोच लो उनके साथ क्या होने वाला है, अगर तुम डायरेक्ट मेथड लगाते हो देख लो वो क्या रहा है तुम्हारे साथ, -10x² + 9x - 2 = 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू रूट इज यूनिटी राइट, सो इफ आई टेक वन रूट टू बी अल्फा दूसरा रूट होगा 1/α, बाय क्वाड्रेटिक, सो दैट मींस आई नीड टू टेक थीटा एज वेल एज गामा राइट। अब जैसे ही रिलेशनशिप सीखूंगी मेरे पास 4 रिलेशनशिप आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4। अब तुम बोलोगे मैम 4 इक्वेशन 3 वेरिएबल्स यू कैन इजिली सॉल्व इट, इजिली सॉल्व करने पे कहीं क्यूबिक इक्वेशन तो नहीं बन जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन बनेगी। अब तुमने बाय क्वाड्रेटिक से क्यूबिक में चेंज कर लिया, फिर भी तुम्हें मेथड से लगाने पड़ेंगे, क्यूबिक कौन से सॉल्व करनी आती है हमें ट्रायल से, तुम वो मेथड ही अप्लाई करोगे ना, गो बैक टू स्क्वायर वन, तो कुछ और भी सोचना पड़ेगा हमें, और क्या सोचे। नाउ हमेशा रिलेशनशिप यूज करने से बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। नाउ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है राइट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू रूट इज यूनिटी, इसका यूज कर यूज करें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसके दो रूट्स पता चल जाए ऑब्वियसली क्वाड्रेटिक बन जाएगी, आई कैन इजीली सॉल्व, बट अगेन द प्रॉब्लम इज क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे, दो रूट्स तो पता चलने चाहिए, ठीक है एब्सोल्युटली राइट, कैसे। अब एक बात बताओ, दिस इज अ बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल राइट, इसके 4 लीनियर फैक्टर्स होंगे एंड 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे, टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होंगे ना, और तुम्हें पता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू रूट इज यूनिटी। अच्छा अगर मैं उन दो रूट से क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखूंगी कि काइंड ऑफ फॉर्म पता चल जाएगी मुझे, इमेजिन करें। नाउ व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू राइट दिस बाय क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक फैक्टर, बोलोगे मैम ये कैसे फिल अप करेंगे, एब्सोल्युटली राइट बाय यूजिंग कॉमन सेंस। देखो अब सबसे पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखते हैं ना, दैट मीन्स x² x² लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, मैं जानबूझ के यहाँ पे लीडिंग कोएफिशिएंट 1 रख रही हूँ राइट। अब तुम बोलोगे मैम बच्चे दो टर्म आओ, एब्सोल्युटली राइट, प्रोडक्ट ऑफ टू ऑफ इट्स रूट इज यूनिटी, अगर मैं मान लू वो दो रूट यहाँ से आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट इज यूनिटी, दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म क्या होनी चाहिए, +1, प्रोडक्ट +1 है राइट। अब अगर एक बात बताओ,
यहाँ पे प्लस वन आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ वाले कॉन्स्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई होगी तभी तो मुझे ये कॉन्स्टेंट टर्म मिलेगा। कॉन्स्टेंट टर्म बनानी है ना, कॉन्स्टेंट टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होंगे। तो बताओ वन को किससे मल्टीप्लाई करूं कि माइनस टू आ जाए? आंसर इज वेरी सिंपल, माइनस टू से। अब तुम बोलोगे मैम वो सब तो ठीक है, अब आपके पास एक्स वाली टर्म के कोफिशिएंट्स को नहीं पता, एब्सोल्यूटली राइट, नहीं पता। अज्यूम कर लेते हो, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं बी, ए एंड बी की वैल्यू से निकालनी ना बेसिकली मुझे, निकाल लेते हैं। नाउ अब ए एंड बी की वैल्यूज निकालने, अच्छा मैंने क्या किया अभी तक, मैंने आई हैव रिजॉल्व दिस पॉलीनोमियल इनटू टू क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, मल्टीप्लाई करना चलो एक्स रेज का फोर, अब बाय क्वाड्रेटिक टर्म आ गई, अब क्यूबिक लिखनी है, अब आई थिंक हम टेंथ क्लास में हो गया तो जल्दी से क्यूबिक लिखते हैं। अब क्यूबिक वाले टर्म बनेंगे कहां से, एक्स स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो, बी एक्स से, क्यूबिक बनेगी राइट, तो दैट मीन्स कोफिशिएंट क्या मिलेगा, बी राइट। एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास क्यूबिक मिल जाए, एक्स स्क्वायर से, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या मिलेगा, ए, तो एज इन बी प्लस ए इंटू एक्स क्यूब प्लस, अब एक्स स्क्वायर, अब यहाँ वाले एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, माइनस टू के साथ राइट, और मिलेगी कहीं, हाँ ए एक्स को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, बी एक्स से, तो प्लस ab, और कहीं से, अच्छा वन को अगर मैं एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करूं तब भी एक्स स्क्वायर मिलता है, वो प्लस वन राइट। अब x की टर्म लिखते हैं राइट, तो x, अच्छा एक्स स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि x मिल जाए, नॉट पॉसिबल, ax को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, माइनस टू से, ऐसे मेरा माइनस टू, अच्छा वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, bx से, यहां से मिल गया प्लस, एंड कॉन्स्टेंट टर्म ऑब्वियसली माइनस टू राइट। अब ये वाले पॉलिनोमियल, दिस इंटायर पॉलिनोमियल इज प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स, ये प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स मैंने किस पॉलिनोमियल के लिखे थे, एक्स रेज का फोर माइनस माइनस टेन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स माइनस टू, टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, व्हाई डोंट आई यूज दैट, अगर दो पॉलिनोमियल्स इक्वल हैं तो दैट मींस कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स इक्वल होने चाहिए, अब वन तो वन के इक्वल है, यहाँ पे बी प्लस ए किसके इक्वल होगा, तो एक्स क्यूब की टर्म ही नहीं है, बट एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट तो जीरो होगा ना, जीरो इंटू एक्स क्यूब, सो दैट मीन्स बी प्लस ए शुड बी इक्वल टू जीरो राइट। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, दीस टू शुड बी इक्वल, एज इन माइनस टू प्लस ए बी प्लस माइनस टू प्लस ए बी प्लस वन क्यों लिखती हूँ, माइनस वन हो गया ना, डायरेक्टली लिखो माइनस वन या ए बी माइनस वन इक्वल टू माइनस टेन राइट, एंड देन दिस इज इक्वल टू दिस, एज इन माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू नाइन, एंड माइनस टू वो द सेम है, तो मेरे पास तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं, अब बताओ किन दो इक्वेशन को सॉल्व करना इजी है, क्वाड्रेटिक है, अब ये लीनियर है ये लीनियर है, डेफिनेटली मैं ये करूंगी, मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ, बी माइनस टू ए इक्वल टू टेन राइट। अब क्या करूं, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, यहां से मुझे ए के वैल्यू मिल जाएगी, ए विल टर्न आउट टू बी माइनस थ्री, एंड कॉन्सिक्वेंटली बी विल टर्न आउट टू बी, तो माइनस थ्री एंड बी इज थ्री, अब इसको सॉल्व करना है ना, मैं बाय क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना, अब यू आई मीन या नाउ यू हैव रिजॉल्व योर प्रॉब्लम इनटू दिस, अब इधर दिस इज जीरो, यहाँ से सोल्यूशन मिलेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से सोल्यूशन, यू कैन इजिली सॉल्व इट, और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो सोल्यूशन, एंड तो वेट आर सोल्यूशन, नाउ यू हैव टू डिसाइड वेदर दिस मेथड इज बेटर और गेटिंग स्टक इन द क्यूबिक इक्वेशन वेदर दैट इज बेटर, दिस वन एंड दिस वन इज मोर फन एज वेल, तो मैं देखो
सोचना होता है अच्छा क्या रखूँ यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे क्या रखूँ, मैंने ए एंड बी की वैल्यूज मंगानी. आई थिंक दिस इज मोर फन, आई मीन फॉर मी, आई एंजॉय दिस मेथड बेटर. ऑल राइट, राइट ऑन द नेक्स्ट वन. सॉल्व एक्स रेज पावर 4 प्लस 12x माइनस 5 इक्वल टू 0. अब तुम बोलोगे मैम अब तो कंडीशन ही नहीं पता हमें कोई, अब क्या करें. मेथड सेम है, आई नीड टू राइट दिस पॉलीनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल्स. सोचते हैं अब ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, राइट. एक्स स्क्वायर का 4 है, लीडिंग ऑप्शन 1. अब हो सकता है ठीक है यहाँ पे हमें कुछ पता होता था तो कॉन्स्टेंट टर्म हम गेस कर लेते थे, अब यहाँ पे तो कुछ नहीं पता. बट एक बात बताओ यहाँ पे है माइनस 5, राइट. अभी तक जो मैं क्वाड्रेटिक लिखते आ रही हूँ उसके कोएफिशिएंट से इंटीग्रल, राइट. अब माइनस 5 को आई नीड टू राइट इट एज प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स. केसेस क्या हो सकता है माइनस 5, या तो मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू माइनस 5 और आई कैन राइट इट एज माइनस 1 इंटू 5. ये केसेस है माइनस 5 को, या तो मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू माइनस 5 या माइनस 5 माइनस 1 इंटू 5, राइट. दीज आर दी ओनली टू पॉसिबिलिटीज, दो पॉसिबिलिटीज है ना, कंसिडर कर लेती दोनों कितना टाइम लगेगा. तो फर्स्ट केस मैं मान लेती हूँ दैट 1 इंटू माइनस 5 इज दी अप्रोप्रिएट वन. तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 1 प्लस 1 पे माइनस 5. अब तुम बोलोगे मैम अगेन एक्स वाली टर्म अज्यूम करोगे, एब्सोल्युटली अज्यूम करूंगी मैं. तो I will suppose this to be AX and this to be BX. Right? Multiply करते हैं. So, comparing the coefficients, they will be able to ascertain something. Right? Now, multiply करना शुरू करें. ये हो गया x raised power 4 plus x cube की term. तो यहाँ से मिलेगी b plus a. क्या a plus b? Multiply तो कर लोगे अपने आप, right? So, x square वाली term. So this is minus 5 plus AB plus 1. So let's write minus 4 into x square plus x value term like here. So minus 5A plus B into x. Now this is minus 5 obviously. Now ye wala polynomial kiske sath compare karna hai, iske sath. So as in x raised power 4 this is equal to x raised power 4 प्लस 12x माइनस 5. ऑब्वियसली 1 1 बगैर क्यों नहीं है, ठीक है. 12 से लिख देते हैं 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट. सो दिस इज इक्वल टू दिस एज इन ए प्लस बी इक्वल टू 0 एंड माइनस 4 प्लस ए बी इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 5 ए प्लस बी इक्वल टू 12 एंड माइनस 5 माइनस 5, राइट. अब दो तीन इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं एंड एक कंसीडर टू इक्वेशन, कौन से कंसीडर करो, दो लीनियर इक्वेशन कंसीडर करती हूँ. तो माइनस 5 ए प्लस बी इक्वल टू 12. अब सब्ट्रैक्ट करें, साइन चेंज ए विल टर्न आउट टू बी माइनस 6 माइनस 2, right. A will turn out to be minus 2. So consequently B is the equation of put karungi, B will turn out to be 2. Ab main bol dungi ye solution hai, check karna padega. Kyun? Maine solve kiske kiya, is and is equation ko. I solve these two equations, mujhe A and B wo chahiye which satisfy this equation.
दिस इक्वेशन एज वेल एज दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन भी सॉल्व होनी चाहिए राइट, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब पुट करके देख लेते हैं ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। सो दिस इज माइनस फोर प्लस एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स टू। नाउ ये किसके इक्वल आया, माइनस फोर माइनस फोर डज इन माइनस एट, माइनस एट इज डेफिनेटली नॉट इक्वल टू जीरो। सो दैट मीन्स यहां से ए एंड बी की जो वैल्यूज निकाली इस थर्ड इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं है। और क्या हुआ इसका, दैट मीन्स हमने जो अज्यूम किया था ये वाला केस नहीं होगा, इसका दूसरा केस होना चाहिए। अब तुम बोलोगे मैम इतनी मेहनत करी हमने, ट्रायल है, समटाइम्स इट वर्क समटाइम्स यू हैव टू वर्क हार्डर। तो मैं दूसरा केस कंसिडर कर लेती हूँ, बिग डील। देखो इसने कंसिडर किया था वन इंटू माइनस फाइव, अब मैं कंसिडर करूंगी माइनस वन इंटू फाइव राइट। सो दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन इंटू अब उनको मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे इसमें जो मैंने बड़ा क्रॉस मारा, मल्टीप्लाई करने में सिमिलर सिक्स टर्म्स आएंगे बट तुम्हें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। लेट्स सी कर ही लेते हैं मल्टीप्लाई, लेट्स नॉट, नहीं तो गलती होगी, चांसेस बढ़ जाते हैं राइट। तो अब उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये केस तो हो गया रिजेक्ट। सो दिस बिकम्स x is for 4 plus x cube wali term obviously c plus a or a plus b into x cube, then x square wali term, so 5 plus ab minus 1 yeah 4 plus ab into x square plus x wali term 5a minus b minus 5। अब ये किसके साथ कंपेयर करना, ये वाला पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर फोर प्लस प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस फाइव, ऑब्वियसली कॉरेस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। लिख लेते हैं राइट, वन वन दिस शुड बी ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, देन फोर प्लस ए बी इक्वल टू जीरो एंड फाइव ए माइनस बी इक्वल टू ट्वेल्व। अब ऑब्वियसली इनको करते हैं फाइव ए माइनस सी इक्वल टू ट्वेल्व, एड द टू सो दिस बिकम्स सिक्स ए इक्वल टू ट्वेल्व, सो ए बिकम्स इक्वल टू टू एंड बी इज माइनस टू। अभी मैंने इन दोनों को सॉल्व किया एंड ए एंड बी की वैल्यूज में लिया, एक्स इक्वल टू उसमें सेटिस्फाई कर भी रही है कि नहीं। तो फोर प्लस ए भी निकालना है, फोर प्लस ए इज टू इंटू बी भी करना है, तो टू इंटू माइनस टू दैट इज माइनस, so this is definitely equal to zero, satisfy over. So that means this will be my value of a and b. यहाँ पे 2x, यहाँ पे minus 2. That's it. अब इसको equate कर दो zero and answer निकाल लो. Two quadratic factors हैं. Easily you can find the answer. Right? Answer लिखने की जरूरत है? हाँ. इसके तो वैसे देखना जरा, इसके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो है, यहां से तो रियल रूट्स मिलेंगे ही नहीं, बस इसको सॉल्व करना है एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट राइट। आंसर इज वन प्लस माइनस टू टू राइट, जस्ट टू रूट, जस्ट टू रियल रूट ऑफ दिस बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑलराइट, सो राइट ऑन द नेक्स्ट वन, the last question for write down, come on, last question ho gaya to linear ho jaao, hum thak gaye, come on, forward values of p and q the polynomial x raised to 4 minus 14x cube plus 71x square plus px ex plus q is a perfect square.
अब ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, मॉन ऑलराइट, सो ही सेज फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू दिस दिस पॉलीनोमियल बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, पॉलीनोमियल बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर. अच्छा ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ना, किसका स्क्वायर करूं, कितने डिग्री के पॉलीनोमियल को स्क्वायर करूं कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मिल जाए. ऑब्वियसली मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को स्क्वायर करूंगी, एंड यहाँ पे एक्स रे स्क्वायर 4 है ना, मैं एक्स रे स्क्वायर 2 ले सकती हूँ एज एन एक्स स्क्वायर ले सकती हूँ, क्यों एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करूंगी एक्स रे स्क्वायर 4 मिलेगा राइट. अब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का स्क्वायर करना, क्लियरली मुझे नहीं पता कि यहाँ पे लीनियर टर्म एंड कॉन्स्टेंट टर्म क्या आने वाली, कोई बात नहीं. सपोज करो दिस इज ए एक्स दिस इज बी, सपोज दैट दिस पॉलीनोमियल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर. अच्छा इसका होल स्क्वायर एक्सपैंड करना तो आता है ना, यहाँ से जो पॉलीनोमियल है और ये वाला जो पॉलीनोमियल है ये सेम है, अगेन यू कैन कंपेयर दी कोएफिशिएंट. सबसे पहले इसको एक्सपैंड करो, तो ये एक्सपैंड करना आता है ना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो एज इन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एज इन एक्स स्क्वायर का फोर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू इंटू दिस इंटू दिस एज इन ए एक्स क्यूब प्लस टू इंटू टू ए बी प्लस टू बी सी दिस इंटू दिस टू ए बी एक्स प्लस टू बी एक्स स्क्वायर, इसको एक्सपैंड किया ये मिला. अब दिस पॉलीनोमियल इज डेफिनेटली इक्वल टू दिस वन, तो इसको लिखने से पहले थोड़ा इसको रीअरेंज कर ले, ये हो गया एक्स स्क्वायर का फोर प्लस टू ए एक्स क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस टू बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर, ऑर्डर में लिख लिया सो दैट कंपैरिजन इज इजियर. अब दिस इज इक्वल टू दिस पॉलीनोमियल, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फोर माइनस फोर्टीन एक्स क्यूब प्लस 71 एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस क्यू, टू पॉलीनोमियल आर इक्वल 1 1 ये तो ठीक है. Now 2a should be equal to minus 14. 2a equal to minus 14. Oh, a ki value aa gayi minus 7. Oh. Now next. This is a square plus 2b equal to 71. A square plus 2b equal to 71. Achha, a ki value to pata hai mujhe. So a is minus 7. A square is 49. So 2b equal to 22. तो b will turn out to be 11. ना a भी पता चल गया, b भी पता चल गया. Now p पूछ रहे हैं. Now p is nothing but 2ab equal to p. p की वैल्यू निकालनी थी ना, n भी तो पता है मुझे. So this is my p is equal to minus 154. अब ये कुछ करो. And q is equal to p square or b square equal to q. अब b is 11. So q is equal to 121. For these values of p and q, will this polynomial be a square of this polynomial? And we are doing it. Insert photo. Quite an easy question. We are ending it on an easy question. ऐसे देखा जाए आज के लेक्चर काफी इजी था.
वाज फन फॉर मी एट लीस्ट, मुझे ये करने में बड़ा मजा आता है. राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है सॉल्व करनी. इन टुडेज लेक्चर वी लर्न नॉट लर्न वी लुक्ड एट सम मेथड टू सॉल्व अ क्यूबिक और अ बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, पॉलिनोमियल इक्वेशन. राइट, उसके लिए मेथड क्या हो सकते हैं, या तो इंटेग्रल रूट्स होंगे तो हम वो डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, रैशनल रूट्स होंगे वी कैन डायरेक्टली फाइंड इट आउट, एंड देन नेक्स्ट वी यूज द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस रूट्स. राइट, एंड द नेक्स्ट द मोस्ट फन पार्ट, वी कैन राइट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू, नो वी कैन राइट अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसमें तुम्हें गेस वर्क करना होता है एंड यस पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट करनी होती है. राइट, सो दैट इज इट. आई होप यू लाइक टुडेज लेक्चर, आई होप यू यू लाइक द फर्मर्स लास्ट थ्योरम पार्ट, दैट इज समथिंग आई जनरली लाइक, आई एंजॉय इट. सो दैट इज ऑफ कोर्स होमवर्क, होमवर्क इज होम असाइनमेंट 3. सो दैट्स इट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.